दोस्त अभिषेक श्रीवास आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिथ्स जो कि रिलेटेड हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग से। आइए जानते हैं। वन, दोस्तों आपने ताजमहल तो देखा ही होगा और आप ताजमहल के बारे में तो जानते ही होंगे और आप यह भी जानते होंगे कि ताजमहल हमारा यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की जो फाउंडेशन है वो बेल फाउंडेशन है? और क्या आप यह जानते हैं कि जो ताजमहल की जो बेल फाउंडेशन है वो पूरी लकड़ी की बनी हुई है? और आप सोच रहे होंगे कि अगर वह लकड़ी की बनी हुई है तो क्या वह कभी ख़राब नहीं होती? पर ऐसा नहीं है। ताजमहल की जो फाउंडेशन है अंदर उसके जो लकड़ियों के जो ब्लॉक्स हैं वो कीचड़ के अंदर धंसे हुए हैं गहराई में। इस वजह से क्या होता है वो पूरी तरीके से कीचड़ से कवर रहते हैं और वह कभी भी एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते और वह एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में ना आने की वजह से वह कभी भी खराब नहीं होते। इस वजह से हमारा ताजमहल अभी तक बिल्कुल मजबूती से खड़ा हुआ है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कॉन्क्रीट खुद से ही अपने आप को हील कर सकता है, खुद से ही अपने क्रैक को फिल कर सकता है और खुद से ही अपने आप को रिपेयर कर सकता है? आप नहीं जानते? भाई मैं आपको बताता हूँ। 2017 में एक डच बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था हेनरिक जोनकस, उन्होंने एक ऐसा इंग्रेडिएंट बनाया जिसमें उन्होंने एक मदद ली एक बैक्टीरिया की जिसका नाम था बैसिलस स्यूडोफॉर्म और एक केमिकल की जिसका नाम था कैल्शियम रिएक्टेट और उन्होंने देखा कि यह कॉन्क्रीट खुद से ही अपने आप को हील कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा बैक्टीरिया है वह एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और कैल्शियम रिएक्टेट से कैल्शियम लेता है और खुद से खुद को अपने आप को हील कर लेता है, अपने क्रैक्स को फिल कर लेता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमारा सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट का जो लाइफ स्पान है वह हमारे नॉर्मल कॉन्क्रीट से 200 साल ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हमने पब्लिक टॉयलेट के लिए एक धारणा बना रखी है कि वह हमेशा गंदे और बदबूदार होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग उनमें जाना भी पसंद नहीं करते हैं। पर इस चीज़ का सॉल्यूशन जापान ने निकाल लिया है। जापान ने अपने कैपिटल टोक्यो में कुछ ऐसे पब्लिक टॉयलेट इंस्टॉल किए हैं जो कि बाहर से देखने पर ही यह पता चल जाता है कि वह गंदे हैं कि साफ, कि उन टॉयलेट के जो ग्लासेस हैं वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो लोग उनमें टॉयलेट कैसे जाते होंगे क्योंकि उनके तो आसपास दिखता होगा। पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप उन टॉयलेट के हम अंदर जाएंगे, जैसे ही हम उनका गेट लॉक करेंगे, वो टॉयलेट के जो ग्लासेस हैं वो अपने आप ही ओपेक हो जाएंगे और हम उनके आसपास नहीं देख पाएंगे और हम आसानी से उन टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना के हवाई प्रांत में योंगजाई नदी के ऊपर बना थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इस डैम को बनाने में जितना स्टील यूज हुआ है उतनी स्टील से 60 आईफल टावर बनाए जा सकते थे और जो इस डैम का वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है वो 42 मिलियन टन है। इतने ज़्यादा वाटर स्टोर करने की वजह से जो हमारा दिन और रात का जो अंतर है वह थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो हमारे दिन है वो 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गए हैं और इतने ज़्यादा वाटर स्टोरिंग करने की वजह से जो हमारे पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अपनी जगह से 2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं। इसके वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो पोल्स पे थोड़ी सी चपटी दिखने लगी। नंबर 5, दोस्तों क्या हो अगर हमारे पृथ्वी से 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन खत्म हो जाए? आप सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड की ऑक्सीजन खत्म हो भी जाएगी तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि हम तो सांस को 40 या 50 सेकंड तक रोक के रख सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर हमारी पृथ्वी से मतलब 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो जो हमारी कॉन्क्रीट की बनी हुई जो बिल्डिंग है वह बिल्कुल धूल बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कॉन्क्रीट के लिए एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है और जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो बाइंडिंग एजेंट भी नहीं होगा और जो हमारी बिल्डिंग होगी वह धूल बनकर गिर जाएगी।